हम तो किसान हैं जो हम लोग लगाते हैं डी का दाम जो है हर साल बढ़ते जाता है पोटास का दाम बढ़ते जाता है यूरिया का दाम बढ़ते जाता है, तो हाँ है लेकिन फसल का दाम नहीं बढ़ता है अच्छा जो हम लोग को वाजिब रेट मिलना चाहिए वो तो नहीं है हाँ, इतना जानते हैं गैस दिया है लेकिन महंगा से दिया है महंगा से दिया है हाँ सस्ता अच्छा तो नहीं दिया है महंगा से दिया है तो, तो फिलहाल हम लोग सुनते हैं तारीख को तारीख को जो है तारीख को दे

कार जोहार आप देख रहे दर्पण लाइव टीवी समाचार अभी चुनावी माहौल है और चुनावी माहौल में जो है हम अभी कटिहार जिले के एक बंका चौक जो नामी चौक है ये आदिवासी गांव का एक चौक है और उसी चौक में हमारा आना हुआ है और यहां पर कुछ लोग हैं हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि चुनावी माहौल अभी क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है ये चुनावी माहौल में मत किसके और ये इशारा कर रहा है किसको देंगे हम इन्हीं बातों को लेकर के जो है हम यहाँ पर पहुँचे हैं क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग हैं यहाँ चाय पीने के लिए पहुँचे हुए हैं और उनसे जानने का प्रयास करेंगे इस चाय की चर्चा में लोगों का रुझान किस और है पक्का ये किसान नामी किसान है नमस्कार सर जी नमस्कार नमस्कार आप लगता है कि आप पूरा जो है अभी काम करते हुए जो है अभी पहुंचे हैं चाय पीने के लिए हाँ अभी खेत देख के आए हैं अच्छा आ, क्या देखे? लगता है कि इस बार का चुनाव का माहौल क्या है चुनाव का माहौल तो बहुत अच्छा है ये, अच्छा ही रहता है चुनाव के समय आनंद रहता है आनंद रहता, रहता है ये हंसते हुए बोल रहे हैं क्या मलत, क्या मस्त हम बोले ठीक है यार क्या बोलेंगे आप वर्तमान सरकार से आप खुश हैं नहीं। इसको अब इस बारे में बदल देना चाहिए फिर नया सरकार हम लोग को बनाना चाहिए हाँ अच्छा तो काम कर रहा था स्कूल में काम चल रहा है बढ़िया रोजगार लोग दे रहा है लोगों को जो है क्या क्या दिक्कत हुआ देखिए हम तो किसान हैं जो हम लोग लगाते हैं डीएपी का दाम जो है हर साल बढ़ते जाता है पोटास का दाम बढ़ते जाता है ऊर्जा का दाम बढ़ते जाता है लेकिन फसल का दाम नहीं बढ़ता है अच्छा जो हम लोग को वाजिब रेट मिलना चाहिए वो तो नहीं है कम से कम एफ एम एस जो है लागू करना चाहिए नहीं, नहीं मूल्य निर्धारण नहीं होता है जिसके चलते जो है हम लोग को खर्च ज्यादा ज्यादा हो जाता है मुनाफा कम हो जाता है मोदी बोल रहा था कि जो है फसल का जो है आमदनी दुगुनी मैंने बढ़ाएंगे करके जो है नहीं कहा रेट हम लोग को सही ढंग से नहीं मिल रहा है अच्छा नहीं मिला है नहीं मिला खाद सब का दाम बहुत ज़्यादा हो गया लेकिन अच्छा। फसल का दाम बहुत कम है इसीलिए हम लोग को बहुत दिक्कत हो रहा है इस बार चुनाव का माहौल है चुनाव क्या बदल बदलेंगे सरकार के वही रहेगा बदलना होगा हम हम लोग को क्योंकि हम देखते हैं हम लोग कह रहे हैं देखते हैं यहाँ से अभी जाइएगा यहाँ से एटो एटो अभी घाट जाइएगा तो रोड हमारा टूटा हुआ है वही अच्छा। कच्ची है अभी अब अभी भी इट इट लगा हुआ है और टूटा हुआ है जो हम लोग का ट्रैक्टर नहीं जा पाता है घुमा के ले जाना पड़ता है धान सब अच्छा इसीलिए बताए बोलते बोलते हमारे लेकिन हम लोग अभी बंका टोला हम लोग बिछड़े हुए हैं हाँ, अभी अभी भी इस, हाँ। सरकार में बैठे लोग ध्यान नहीं देता क्या है? कुछ नहीं ध्यान देता है रोड के हम लोग यहाँ बहुत दिक्कत हो रहा है आने जाने में भी क्या लगता है किसको वोट करेंगे हमारे यहाँ तो अभी पुराना जो है हमारा तारिक अनवर है बहुत पुराना है रिश्ता है बहुत दिन से आना जाना करते हैं और फिर भी मुलाकात भी करते हैं बोले स्वभाव भी ठीक है और जब तक चलाया कभी उसका कोई दाग भी नहीं हुआ बेदाग तारिक अनवर है और हम हमसे तो हम, हम लोग को उस बारे बार मौका दे देंगे तो अच्छा रहेगा माने आपका तो का, तो का, तो आपका तो कहने का मतलब कि जो है आ, हमको ऐसा लगा कि जो है महागठबंधन के और अभिषारा करते हुए जो है तारिकानवर को जो आप देंगे महागठबंधन है फिर हमारा जो है जो है राहुल गांधी जो है अच्छा, अच्छा नया नौजवान है अच्छा प्रधानमंत्री बना करके मौका देना चाहिए अच्छा, क्योंकि हम अच्छा उस पर विश्वास करते हैं जरूर वो सीधा साधा है अच्छा है अनूपलाल अच्छा हेम्बरम है अनुप अनूपलाल हेम्ब्रम जी तो फिर आइए फिर हम जाने का प्रयास करते हैं यहाँ पर कुछ यहाँ लोग हैं यहाँ के ग्रामीण है नमस्कार नमस्कार अभी चुनावी माहौल चल रहा है हाँ। क्या लग रहा है कि चुनाव माहौल में जो है इस महापर्व में जो है किसको वोट करेंगे इस बार तो हम लोग सोचे हैं कि बदलने के लिए अच्छा बदलेंगे बदलेंगे वर्तमान सरकार से क्यों आप क्या खुश नहीं है वो दर्शन भी नहीं देता है इस क्षेत्र इस में आता ही नहीं है अच्छा साहब का नाम कौन क्या है कौन थे साहब इस बार का कौन थे गोस्वामी अच्छा जानते हैं लेकिन दर्शन नहीं हुआ है। नहीं हुआ है वोट किसको करेंगे इस बार तो वही बदलने का विचार है बदलने का विचार है।, है।, विचार है। हाँ। नाम तो स्पष्ट करना होगा बदलने का मतलब किसको मतलब आदिवासी में भी तो खड़ा है ना मरा गजदा है सुनने में आया है और दूसरा है कि जो आपका ज्ञानेश्वर वकील साहब है उसको देंगे क्या नहीं दोनों को तो नहीं देंगे तो महागठबंधन को ही देंगे मागड़ मागड़। नाम को ना। तारीक तारीक को स्पष्ट कीजिए ना जो है हाँ। चाचा जी अपना विचार अपना राय दिए कि रुझान इनका जो है की तरफ इशारा करते हुए जो है उन्होंने कहा कि जो है तारिकान को देंगे यहाँ पर चाचा जो है अभी है कुछ माता लोग भी है यहाँ पर देखेंगे हम यहाँ बैठे हैं कैसे है ठीक है ठीक है ना अभी चुनावी माहौल है वोट का समय है अभी वोट का समय तो आ गया है अच्छा तो अभी किसको देना चाहेंगे आप जो है किसको अपना अधिकार पांच साल का तकदीर अभी लिखने का समय है किसको देंगे आप? आप देखेंगे जो अच्छा है उसको देंगे आप वर्तमान संसद को आप देखे हैं कभी तो नहीं देखे नाम तो सुने देखे तो नहीं है नहीं देखे नहीं कभी उसका काम वगैरह कुछ जानते है नहीं आप नहीं नहीं जानते हैं। नहीं जानते तो तारीख अनोर भी तो जो है बहुत पहले पहले जीतते थे लेकिन उसके बाद जो है ये भी तो कहीं जा कर के जो है चले गए तारिक तो यहाँ बहुत बार आया है हम लोग के पास अच्छा तो वो हम देखे हैं उसको हम लोग अच्छा उसका काम वगैरह काम वगैरह भी अच्छा है जी किसको मैंने उसको आप वोट करेंगे अब अभी जो अच्छा हम लोग को चलाएगा उसी को वोट करेंगे आप कैसे आप पहले बोल रहे हैं कि जो है जिसको जो चलाएगा शायद ये भी हो जाए वैसे नहीं अब वोट देने के बाद आप कौन जानता है क्या होगा अच्छा नहीं जानते हैं। हम लोग अच्छा ही जानते हैं इसीलिए अच्छा मोदी को तो हम लोग देख लिए ना बहुत बार गैस वगैरह दिया गैस तो फ्री में नहीं देता है फ्री में नहीं दिया अभी बारह सौ टाका गैस हम लोग उठाते हैं तो कहाँ फिर हुआ पहले कितना में मिलता था बारह सौ से हम लोग उठाते हैं बारह सौ नहीं उससे पहले जो है कांग्रेस के समय में जो है कितना में आता था हम तो नहीं देखे हैं तो पहले अच्छा, जब से उठाए हैं तो बारह सौ में उठाते हैं लेकिन इतना है कि पता है कि मोदी दिया गैस ना हाँ। इतना जानते हैं गैस दिया है लेकिन महंगा से दिया है महंगा से दिया है हाँ सस्ता तो नहीं दिया है महंगा से दिया है।, तो आप जो है घर में जो है काम धाम आप जो है खाना वगैरह पकाते हैं तो मोदी का याद आता है की नहीं मोदी को तो याद आता है की गैस दिया है बहुत महंगा से महंगा हाँ खुश नहीं है खुश नहीं है वोट किसको देंगे आप वोट देंगे जो अभी हम लोग देखे हैं उसको देंगे किसको देखे फिलहाल हम लोग सुनते हैं तारीख को तारीख को जो है तारीख जी अच्छा पूरा मन बना लिया है हाँ हम लोग बना लिए क्या है। नाम है आपका हमने अभी कंदनी बास्के से बातचीत किया और ये बंका गांव की ये महिला है और पूरा जागरूक महिला है ये बात को समझती है और इन्होंने इन्होंने अपना बात को कह दी कि हम लोग जो है वर्तमान सरकार से हम उतना खुश नहीं हैं जिसको लेकर के जो है ये इन्होंने अपना महागठबंधन की और इशारा करते हुए जो है तारीख़ का नाम ली कि हम लोग तारीख को ही वोट करेंगे यहाँ दुकानदार है और इनके दुकान में काफ़ी लोग यहाँ जमा होते हैं प्रत्येक दिन और सिर्फ आदिवासी ही नहीं ये सभी धर्मों के लोग यहाँ पर चाय पीने इनके दुकान आते हैं और बेहतर तो विनोद जी को भी पता होना चाहिए और शायद पता होगा हम इनका अपना व्यक्तिगत राय भी हम जानने का प्रयास करेंगे आखिर वोट करेंगे किसको नमस्कार सर, नमस्कार कैसे हैं ठीक है अभी सरकार किसका चल रहा है पता है आपको अभी तो हमको पता नहीं है किसका सरकार चल रहा था अभी सरकार सरकार मोदी चल रहा था मोदी का चल रहा था बिहार सरकार कौन था किसका नीतीश कुमार था नीतीश कुमार था A. अभी वोट का समय है वोट को किसको करेंगे वोट वोट करेंगे देखेंगे अभी अच्छा अच्छा करेगा उसी को वोट करेंगे अच्छा हाँ मोदी सरकार तो अच्छा कर रहा है ना अच्छा तो करता था अभी लेकिन अच्छा कहाँ किया वो क्या क्या अच्छा नहीं किया बताइएगा ना अच्छा कहाँ किया सुनते क्या वो ट्रेन से बेच रहा है और किताबों से दाम बढ़ा दिया बोझरा कर दिया किताबों को जो बच्चा पढ़ा नहीं पा रहे हैं देने दे नहीं पा रहे हम लोग स्कूल में अच्छा। उसी चक्कर में हम लोग खत्म है तो फिर जो है वो आप तो रोजगार कर रहे है फिर आप दाम कैसे बोल रहे हैं भाई उधर महंगा लग रहा है आपको महंगा ही लग रहा है ना हमको तो क्या महंगा लग रहा है महंगा लग रहा है कि किताब का दाम बढ़ गया ना किताब कॉपी कलम से दाम बढ़ गया सिर्फ किताब कॉपी देखने से नहीं ना होगा देश पूरा देश में अच्छा से चला रहा है अच्छा कहा तो, तो तो, है। अच्छा। है? तो, क्या क्या? कुछ दाम तो होगा ना यही तो कर रहा स्कूल को प्राइवेट कर रहा है फिर आपका ये जो आपका ट्रेन को भी प्राइवेट कर रहा है

नहीं पड़ते हैं टेम्पू सरकार अभी हाल फिलहाल जो है नीतीश सरकार जो है मतलब नीतीश का मतलब है रोजगार अभी रोजगार दिया नीति से क्या खुश है हम लोग को रोजगार दिया हम लोग को रोजगार नहीं दिया अभी तक तो कोई रोजगार नहीं दिया है रोजगार दिया क्या लगता है कि जो है नीतीश को देख करके वोट करेंगे या क्या करेंगे आप वोट क्या उसको नहीं करेंगे इसको हम लोग किसको कीजिएगा फिर किसको करना है आप करेंगे हम लोग जो भी अच्छा जो करेगा सऊदी उसी को हम लोग करेंगे अरे भाई नाम तो स्पष्ट करना होगा ना कुछ तो बताना होगा भाई हाँ तो करेंगे ना हम लोग देंगे, तारिक को फोड़ देंगे। किसको? तारिक को को? आ, आता है वो भेंट करता, करता है ना वर्तमान सांसद दुलाल चंद गोस्वामी है चेहरा भी नहीं देखा कैसा है आपको पता है कहाँ से है वो पता था को पता है कि ये इधर किसी तरफ का है तरफ का है जी। लेकिन डंडखोरा वो नहीं आया यहाँ पे बंका टोला आपके हाँ नहीं आया नहीं आया हाँ। है उसको वोट करेंगे ना उसको वोट नहीं करेंगे हम लोग उसको समर्थन में जो है यहाँ पर नीतीश कुमार आने वाले हैं डुमरिया तो आने दो क्या बात आने दो कोई दिक्कत तो नहीं है उसके आने से कोई बदलाव को नहीं होगा कुछ बदलाव नहीं होगा कुछ बदलाव पूरा पक्का 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 क्योंकि नीतीश तो बोलता है दारू खुले में इंग्लिश दारू बिकता है बोतल में बड़ा पंद्रह सौ 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 बोतल बिकता है अच्छा तब मिलता है मिलता नहीं है कितने मिलता है हम सबूत देंगे उसका गारंटी देंगे कहा मान सरकार नीतीश सरकार से खुश नहीं है नीतीश काम है आदमी को बंदी बनाओ जेल डालो बस यही काम होता है और कुछ नहीं होता है आप यहां लगातार हम लोग यहां का देंगे हाँ लोग वोट देंगे अच्छा हाँ क्या नाम आपका विनोद तो हमने विनोद उराव से जानने का प्रयास किया ये यह यहाँ का दुकानदार है इन्होंने कहा कि जो है वर्तमान संसद कभी यहाँ इस चौक में कभी उसका कभी दर्शन नहीं हुआ ना उसको हम जानते हैं अच्छी तरह से और ना उनका काम को जानते हैं लेकिन कहीं ना कहीं ये उन इनका रुझान भी जो है उस महागठबंधन की और जाते हुए यहाँ पर ऐसा लग रहा है और उन्होंने कहा साफ तौर पर कहा कि जो है हम वोट कांग्रेस के जो है उस तारिक अनवर जी को कहेंगे यहाँ कुछ बाहर में कुछ ऐसे यहाँ कुछ खड़े हैं लोग जो है अभी यहाँ पर उनसे भी हम जानने का प्रयास करते हैं यहाँ भाई साहब है वहाँ पर भी जो है बड़े बड़े नेता लोग हैं बड़े पार्टी के लोग हैं या हाँ। लोकल क्षेत्रीय भी हैं आप ऐसा स्थिति में जो है किसको आप देना चाहेंगे कैसा लोगों को आप कैसा भविष्य को चुनना चाहेंगे आप भविष्य वही विकास के आधार पर होना चाहिए चुनाव अच्छा। किसी का भी चुनाव विकास के आधार पर होना चाहिए अच्छा जो विकास अच्छा करेगा जो जिसके अंदर योग्यता होगी उसको चुना जाए जी तो उतना दिन जो चुनते आ रहा है कि जो हमारा योग्यता वाले हैं क्या ना ना ऐसा कुछ नहीं है मतलब तो, पब्लिक का चुनाव वही होना चाहिए कि योग्यता सही रहे विकास करे अच्छा अब, ये आप आसपास थोड़ा सा करेंगे जो है एनडीए और इंडिया ये ना है मुख्य रूप से जैसे तो देखा जा रहा है अब देखिए लोकतंत्र है जिसको जहाँ अच्छा लगता है वो वोट करता है बिहार और यूपी में ज्यादातर आप विकास आ जो डेवलपमेंट है उसपे होता नहीं है यहाँ पे जातीय समीकरण ज्यादा हावी रहता है अभी लेकिन हम लोग मतलब अपना ओपिनियन है कि विकास पे ही वोट होना चाहिए। जो वर्तमान पहले से जो चले आ रहा है हाँ। उसके और इशारा कर रहे हैं हाँ हाँ क्या हाँ। यही ना है हाँ। क्या नाम है आपका अनूप दुबे अनूप दुबे जी है तो हमने अनूप दुबे जी से भी जो है हमने जानने का प्रयास किया चूंकि ये किसान से रिलेटेड जो है ये काम करते हैं किसान से लगाव रखते हैं और ये बक्सर जिला से आते हैं इन्होंने कहा कि जो है विकास जो करे उसी की उसी को ही वोट करना चाहिए अभी चुनाव का समय चल रहा है सर हाँ बोलिए क्या लग रहा है किसको मैंने आप किसको करेंगे देखिए सर अभी हम देश का माहौल को देखते हुए जो अभी मतलब अनुभव हुआ इन पाँच साल के दरमियान में तो अभी माहौल मतलब एक तो हिंदू मुस्लिम का बहुत बड़ा ये मतलब माहौल दिखता है अच्छा तो ये पसंद नहीं आ रहा है अच्छा जी तो ऐसा सरकार को बनाने का हम लोग सोच रहे हैं जो कि इस तरह का माहौल बनाए नहीं अच्छा। सबको लेकर के चले हिंदू हो मुस्लिम हो सबको लेकर के चले तो यहाँ पर बहुत बड़ा मतलब मुद्दा हमको नजर आता है क्या लगता है कि जो है आ, हम जो है अभी क्या परिवर्तन का और अग्रसर अग्रसित है या फिर वही सरकार जो अभी वर्तमान में है अभी जो वर्तमान में जो सरकार दिख रही है वो तो हिंदू मुस्लिम का ज़्यादा मतलब वो बढ़ावा दे रहे हैं अच्छा तो, मतलब भेदभाव जिसको बोला जाए जाति भेदभाव बोलिए या धर्म भेदभाव बोलिए तो ये नहीं होना चाहिए हम लोग का देश में हम लोग का देश लोकतांत्रिक देश है सब हम लोग को मिलजुल करके कैसे हम लोग रहें एक दूसरे के साथ मिलजुल करके अपना जीवन यापन करें उस दिशा में जो सरकार काम करेगी उसी सरकार को हम लोग देना पसंद करेंगे भी आदिवासी के क्षेत्र में भी कुछ कुछ जानकारी हो रही है कि कुछ कुछ जो अधिकार दिए गए थे वो धीरे धीरे समाप्ति की ओर जा रही है आदिवासी का जो जल जंगल जमीन के विषय में भी कुछ कुछ बात ऐसा है जो वो जो कानून जो बनी हुई थी उस पर भी वो हस्तक्षेप कर रही है उसको समाप्त करती जा रही है तो ये हम लोग के लिए बहुत बड़ा आने वाले समय के लिए बहुत बड़ा चिंता का विषय है ये लेकर के हम लोग थोड़ा सा सोच विचार करके सरकार बनाने के दिशा में हम लोग पहल कर हम लोग बात करते हैं कि जो है मुद्दा पे आते हैं वोट किसको करेंगे जो हम लोग को अच्छा से चलाए जैसे आपको हम शुरू में बताए कि जो हम लोग को अच्छा से बिना भेदभाव किए हुए सबको लेकर के चलेगा सबका विकास का दिशा में काम करेगा उसी को हम लोग वोट देंगे थोड़ा सा कुछ नाम तो स्पष्ट कीजिएगा कुछ नाम है, जो मेरा बात है उसी से स्पष्ट है मैंने वर्तमान वर्तमान स्थिति को देखते हुए जो है जी वर्तमान सरकार जो है उसको वोट करेंगे ये ना क्या ऐसे लगा मेरा बात से हमको तो नहीं लगा लेकिन क्या हम मेरे कहने का मतलब है मेरा इशारा इशारा दे दिए समझ में आए समझ गए अभी पूर्व जो है पहले का जो है वर्तमान जो है संसद गोलचंद गोस्वामी भी है फील्ड में जी, जी। और आपका जो है यहाँ तारिक अनवर महागठबंधन से जो है तारिक अनवर है आदिवासी से जो है माना है और ज्ञानेश्वर है और कई पार्टी के लोग हैं उनमें से आप किसको पसंद करेंगे अभी तक तो हमारा क्षेत्र में अभी जितना का नाम आपने लिया है उन सब में से तारिक अनवर को यहाँ पर मैंने देखा था पिछले दिनों आए थे और सबसे मिले बातचीत किए और बाकी का जो नाम आ रहा है वो अभी उतना मतलब यहाँ पर नहीं देखा गया है जिसके चलते उसका मतलब कहाँ तक क्या करेंगे वो अच्छा। अभी समझ में नहीं आ रही है अच्छा जी मैंने तारिक अनवर से हाँ, हाँ मतलब उसी को देखा गया है यहाँ पर अपना गांव में अच्छा जी वहाँ से मिले हैं वोट किसको करेंगे आप अब वोट तो अब जो पसंद आ रहा है सबको हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको लेकर के चलेगा उसी जो उस पार्टी से होकर मतलब क्षेत्र से लड़ेगा उसी को हम लोग उसी का सपोर्ट करेंगे क्या नाम आपका छोटे लाल मेमरम छोटेलाल हेमराम जी से हमने बात किया तो इनका कहीं ना कहीं इनका इशारा भी जो है कहीं ना इनका इशारा भी जो है उस इस क्षेत्र आधार पे जो है परिस्थिति को देखते हुए इनका बहुत सारा बात इन्होंने अपने इन्होंने किया कि जो है कहीं कहीं ना, कही ना कही ये इशारा उस महागठबंधन के और जाते हुए जो है इनका इशारा जाना में भाई विशाल टुडू विशाल टुडू क्या करते हैं आप पढ़ाई करते हैं कितना पढ़ाई करते हैं अभी तो एमए कम्प्लीट हुआ है एम ए कम्प्लीट हुआ है जी अभी यहाँ फिलहाल गांव में है या कहीं बाहर से तैयारी करते हैं नहीं नहीं गांव में ही है गांव में है अभी चुनाव का माहौल है भाई हाँ क्या लग रहा है चुनाव के माहौल में आप कैसा नेता को आप चुनना पसंद करेंगे हम हाँ वैसा नेता को चुनना पसंद करें जो हमें रोजगार दे सके और शिक्षा को किस तरह से बढ़ाया जा सके इस पर काम करे वैसा नेता को मतलब हम लोग को जो बेरोजगार छात्र है या युवक है उन सभी को किस तरह से रोजगार मिले और वो किस तरह से काम करते हैं उसको देखते हुए हम लोग चाहेंगे कि हम लोग वोट करें उसको क्या अभी वो सब चीज आप जो कुछ भी आपने बोला क्या वो देखता नहीं है क्या फिलहाल तो अभी कुछ कुछ हद हाँ तक अभी देखते हैं कि बिहार में कुछ लागू तो हो रहा है मतलब रोजगार धीरे धीरे मिल रही है ठीक है और भी ज़्यादा उससे बेटर और शिक्षा नीति को बढ़ाया जाए और अच्छा से किया जाए और हर स्कूल में अब पहले की अपेक्षा भी था धीरे धीरे पढ़ाई तो हो रही है अब देखते हैं और भी अच्छा से हो तो इस वजह से वैसे ही नेता को हम लोग चुनेंगे मतलब सरकार मिलाने की कोशिश करेंगे दो में जैसे सरकार बीजेपी बनी सरकार ने जो है कुछ वादा किए थे उस वादा आप कभी आप कुछ वादा को याद करेंगे हाँ या बहुत सारे वादा तो किए हैं तो उतना तो पूरा कहाँ कर पाए नहीं कर पाए हैं ठीक हाँ। है और चाहेंगे अब जो सरकार बने और जो भी वादा करते शिक्षा के क्षेत्र में हो या रोजगार के क्षेत्र में चाहेंगे वो अधिक से अधिक पूरा कर सके यही सब चाहिं चाहेंगे हाँ। हाँ। क्या लगता है चूंकि आप आदिवासी हाँ से बिलोंग करते हैं जी हाँ है ना आपका मूड क्या है अब किसको वो तो आपका जो है वो तो बोले ऐसे लोगों को जो है आपका निजी राय क्या है आप किसको चूंकि यहाँ पर जो है आ, कुछ नेता लोग यहाँ पर कुछ प्रत्याशी जो है आदिवासी से भी जो है खड़े हैं हाँ, है ना हाँ, आदिवासी से दो कैंडिडेट खड़े हैं हाँ, और मुस्लिम से भी खड़े हैं हाँ, यहाँ पर वर्तमान आपका जो है हाँ, सांसद दुलाल चंद्र गोस्वामी जेडीयू से हैं हाँ और महागठबंधन से जो है तारिका अनवर जी है हाँ, अब इनमें से जो है आप किसको पसंद करते हैं ज्यादा वो मेरा निजी राय हम उसको गोपनीय ही रखेंगे लेकिन क्या बोलते हैं ये जाति के आधार पर हो या धर्म के आधार पर ये ऐसा नहीं हो कि कोई भी हम चाहते अपना ही नहीं हम अपना ही वोट हम अपना किसी को सजेस्ट नहीं करेंगे कोई जाति के आधार पर हो या धर्म के आधार पर कोई भी वोट दे है ना कोई अपना दे, देखे कि विकास कौन कर सकता है अपना क्षेत्र में है वो मतलब क्या बोलते विकास कौन कर सकता है उस आधार पर वोट दे ठीक है जाति के आधार पर ऐसा ना हो कि जाति के आधार पर होता है ये मेरा जाति का है तो हम अपने जाति को वोट देंगे वो फलना जाति है तो उस उस जाति को वोट ऐसा नहीं होना चाहिए ठीक है अपने खुद पर जो अच्छा है नेता अच्छा है, और अपना विकास कर सकता है तो उसको वोट दिया जा सके ये चीज है पहले का और अभी का अपेक्षा कुछ अंतर समझ में आ रहा है कि जो है ने जो सरकार वर्तमान जो अभी चला रहे हैं वही ठीक है या अब सरकार को बदलनी चाहिए नहीं मेरी राय है जो सरकार है तो हमेशा एक ही सरकार रहती है तो अच्छा मतलब सत्ता पलट तो होना चाहिए तो इतना तो हम भी राय रखेंगे कि हर समय हर जग, हर जगह समय मतलब एक ही मतलब नेता रहने से या सरकार रहने से वो अपने थोड़ा से ये करने लगते हैं तो सत्ता पलट तो होना चाहिए थोड़ा होना, होना, होना चाहिए हाँ, हाँ तो होना चाहिए। क्या लगता है इस बार का जो रुझान क्या है लोगों का अब मिलते जुलते अपने दोस्त यार से जो है लोग अब बात करने के क्रम में अब कुछ तो अब सुनते होंगे कुछ तो विचार करते हैं वो हाँ, बुद्धिजीवी हैं शिक्षित हाँ, है सबका सब अलग-अलग राय है तो वो लोग भी कुछ अलग राय देते हैं कुछ अलग हुँ. राय देते हैं कोई बोलता है सत्ता पलट होना चाहिए कोई बोलता है हुँ. नहीं ठीक है हुँ. तो अब सबका अलग राय है किसी को तो हम ज्यादा इन बिन एक फोर्स तो नहीं कर सकते कि नहीं क्यों तुम ये, ये कर रहे हो तो अब उसका अलग राय है उसका अलग मुद्दा है उसका वो अपना सोच है ये चीज है माने आप सत्ता को पलटना चाहिए हाँ तो मेरी राय तो है कि सत्ता को पलटा जाए थोड़ा सा क्या बोलते हैं एक ही सरकार रह, बार बार दो मतलब दो बार हो चुके वो सरकार रह चुके हैं तो अब थोड़ा सा सत्ता पलट करके देखना चाहिए कि वो भी सरकार सामने को वाला का मौका देना चाहिए वो किस तरह से काम करते हैं इसके इस रोजगार क्यों नहीं मिला अब तक जो आपको नौकरी वगैरह क्यों नहीं मिला आप? हाँ रोजगार अभी प्रयास किए कि नहीं हाँ प्रयास तो बहुत ज्यादा किए हैं देखिए अभी के रोजगार के लिए देखिए क्या बोलते हैं आरक्षण तो दिया जाता है लेकिन आरक्षण के नाम पर हम लोग का अभी फ़िलहाल एस टी में आरक्षण के नाम पर बहुत ज़्यादा मतलब अन्य अन्य जातियों को भी इसमें शामिल कर दिया गया जिसे जो मूल जो एस टी को जो फायदे होना चाहिए वो फायदा नहीं मिल पा रहा हम लोगों को ठीक है तो और बाकी जो जाति एस टी एस सी के वो लोग उसका मतलब फायदा उठा पा रहे हैं और जो फायदा मान के आरक्षण भी दिया जाता तो है तो उसमें मान के कोई वैकेंसी निकलती तो एस टी का बहुत कम सीट निकलती है ठीक है इस वजह से भी उसमें क्या होता है फायदा नहीं मिल पा रहा है कहा था आरक्षण आरक्षण कहा जाता लेकिन आरक्षण के नाम पर आरक्षण दोगे तो थोड़ा सा उसमें सीट तो बढ़ा करके देना चाहिए ना तो इसमें वैकेंसी वगैरह में कोई भी वैकेंसी देखिए एस का बहुत कम सीट कहाँ बारह सौ मतलब मान के जो जनरल में बारह सौ सीट है ओ बी सी में कुछ सीट है तो एस टी एस सी में आते आते दस बारह दो तीन ऐसे ही रह जाती है तो इस वजह से इसमें भी थोड़ा सा आरक्षण को थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए तो बढ़ाना चाहिए तो क्या सीट को भी बढ़ाना चाहिए अभी तो आप आरक्षण की बात किए अभी सरकार जो है अभी हाल फिलहाल सोशल मीडिया में आप देखे होंगे कि जो है एस सी एस टी मुर्दाबाद अभी नारा पूरा जोर शोर में चल रहा है और सरकार का मनसा भी जो इस तरह से उससे ये साबित होता है ऐसा देखा जा रहा है ऐसा ये अभी हमने अनुभव किया जा रहा है कि जो है ये आरक्षण समाप्त हो जाएगा नहीं समाप्त हम ये नहीं चाहेंगे कि समाप्त हो जाए समाप्त अगर समाप्त होना चाहिए तो उस बराबरी में सबको लाना पड़ेगा कि मतलब सबको मतलब समान अधिकार दिया जाए समान मतलब मौका दिया जाए अब मान आरक्षण समाप्त करते वो अधिकार तो दीजिए दि, समान अधिकार दीजिए सभी को समान मतलब इज्जत दीजिए तो इस मतलब समान चीज होना चाहिए तो ही आरक्षण आरक्षण तो खत्म नहीं होना चाहिए तो हम चाहते कि संविधान ही खत्म हो जाएगा तो फिर आरक्षण कहाँ बचेगा नहीं संविधान को कोई ख़त्म नहीं कर सकता हम तो ये कभी ये तो जब तक संविधान है तो ही भारत है अगर भारत अगर संविधान ही खत्म हो जाए तो भारत ही नहीं बिखर जाएगा ना संविधान एक ऐसा बुक है किताब है जो संविधान पूरा देश को लोगों को जोड़े रखता है ना अगर संविधान खत्म हो जाए तो ये तो ऐसा हो ही नहीं सकता नहीं होगा मेरा अनुमान है कि आ होगा ही नहीं संविधान किस तरह से खत्म होगा अगर संविधान ही खत्म हुआ तो पूरा देश भारत खत्म हो जाएगा तहस नहस हो जाएगा अगर संविधान ही है कि हम लोग एक दूसरे से जोड़े रखता है अपना अधिकारता है मौलिक अधिकारता है या किसी कोई भी चीज़ का किसी व्यक्ति को अधिकार देता है कि वो अपना पक्ष रख सके या कुछ भी अपना मुद्दा रख सके वो उसका अधिकार है तो संविधान तो खत्म नहीं होगा विशाल टोडू से हमने बात किया और ये बहुत मार्केबुल बात इन्होंने अपना कहा कि जो है किस तरह से जो है अभी देखा जा रहा है सोशल मीडिया में कई कई बार अब जो है आ, हमने भी देखा कि जो है ऐसे एसटी एस टी का मात कभी कभी जो है लगाया जाता है लेकिन ऐसे लोगों पर जो है कोई कार्रवाई नहीं होता है और इन्होंने कहा है कि इलेक्शन की बात बोले अभी जो है ये एम एमए एम ना कर रहे हैं हाँ हो गया कंप्लीट हो गया लेकिन अब तक जो है रोज़गार इसको नहीं मिला ये काफ़ी प्रयास कर रहे हैं लेकिन ये तो इनका तजुबा तो बताएगा कि जो है आने वाला समय में क्या इनको नौकरी मिलेगा या नहीं मिलेगा ये तो इनके ऊपर डिपेंड करता है लेकिन इन्होंने कहीं ना कहीं इन्होंने भी जो है चुनावों की बात जब हम हमने, हमने किया कि जो है इनका इशारा भी ना कहीं ना कहीं बोला कि जो है बदलना चाहिए सत्ता परिवर्तन होना चाहिए सादा बदलना चाहिए इनका कहने का मतलब है कि जो है सरकार को बीच बीच, बीच, बीच बदलना चाहिए मौका ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए दर्पण लाइव टीवी समाचार के साथ और ऐसे ही चुनावी माहौल का चुनावी जो है चर्चा पर ऐसे ही जो है आपको हमारे चैनल के माध्यम से आपको दिखाते रहेंगे धन्यवाद